नहीं नरेंद्र मोदी, देश बड़ा है, तुम देश से बड़े कभी नहीं हो सकते इंशाल्लाह। ना राजीव गांधी ने एहसान किया, ना नरेंद्र मोदी, ना इंदिरा गांधी ने एहसान किया, बल्कि देश ने इन पर एहसान करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री आपके आत्माओं के एक्सपर्ट हैं, जो गवर्नमेंट की नौकरी का इम्तिहान लिख रहे थे, वो पेपर क्या गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? इतने गिरे हुए नहीं है कि किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र को उतार कर अगर कोई जालिम हमको देता है तो उसको कबूल कर ले। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। कौन है समाजवादी पार्टी में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नेता, बताओ? कोई नाम तुम्हारे जबान पर आता है? हां, ये थोड़े बहुत होंगे, कुछ भी होंगे, मगर कहां नेता तुम्हारा? कोई नहीं है। कहां है सब? या तो जेल में है या फिर कब्रस्तान में सो रहे हैं। बताओ कहां है, बताओ आप, कि जो बरसों से जिन्होंने अपना एक शाही तख्त बनाकर रखा उसको हम हिला रहे हैं। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि आज पल्लवी पटेल पिछड़ा दलित और मुसलमान की बात कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी अपील है कि बीजेपी 10 साल से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं। 2014 में मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी ने कहा था 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। फिर 2019 आया तो मोदी ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी ने बड़े बड़े वादे किए। बताइए, आज मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम अगर भारत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या तुम सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े में उलझ कर रहोगे या फिर अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ोगे? तुम क्या सिर्फ मस्जिद और मस्जिद की लड़ाई में उलझते रहोगे और तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा, तुम्हारी दुकानें बंद, तुम्हारे कंपनियां बंद, तुम्हारी फैक्ट्री बंद? मोदी बात करते हैं कि ताला लग जाएगा, क्या नरेंद्र मोदी ने 500,000 की नोट गायब करके कई फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया? कोविड का जमाना आया, क्या एक देश का प्रधानमंत्री चंद घंटे की मोहलत भी नहीं दिया और 130 करोड़ जनता से कहा कि भाइयों बहनों भारत बंद, मैं ताला लगा रहा हूं? ताला मोदी ने लगा दिया। जो उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चे नौजवान मुंबई में थे, हैदराबाद में थे, दिल्ली में थे, भुवनेश्वर में थे, बेंगलुरु में थे, वो तड़प गए आने के लिए अपने अपने घरों को वापस। नरेंद्र मोदी भूल गए कि उनके इस दो फैसलों ने लोगों की जिंदगियों पर ताले लगा दिया। 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री बुलडोजर की मिसाल देता है। आज बीजेपी कहती है कि हम पीओके वापस लेंगे। मोदी जी, 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? लो पीओके को, हम भी कह रहे लो पीओके को, भारत का टूट हिस्सा है, कौन रोका आपको? मगर आज अमित शाह और मोदी बोलते हैं हम पीओके लेना चाहेंगे। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? सच्चाई ये है कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख में डेपसांग डेमचांग एक मुकाम है जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है और मोदी डेपसांग डेमचांग का नाम नहीं लेना चाहते। पीओके की बात तो करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये भी तो बोलो मोदी के चीन को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम भारत की जमीन को बचाएंगे, मगर मोदी चीन का नाम नहीं लेते। मोदी ने कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर दे दिया जाएगा। मोदी जी, हम गरीब जरूर हैं, मगर हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र को उतार कर अगर कोई जालिम हमको देता है तो उसको कबूल कर ले। अरे, हम उस मंगलसूत्र की हिफाजत करेंगे।
और मोदी जी जब आप बात मंगल सूत्र की कर रहे हैं तो जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी। हमारी बहनें हमारी बेटियां कम बच्चे पैदा कर रही हैं, ये भारत सरकार का डेटा कहता है। मोदी जी घुसपैठी हम नहीं है। अरे घुसपैठी अगर हम होते तो अंग्रेजों को भगाने वाले कौन होते? हजरत महल का घुसपैठी थी नजर नरेंद्र मोदी। और क्या कहते हैं कि मेरा कोई वारिस नहीं है, 130 करोड़ जनता मेरी वारिस है। नहीं नरेंद्र मोदी, देश बड़ा है, तुम देश से बड़े कभी नहीं हो सकते इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी ये कहकर बता रहे हैं कि मैंने भारत पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, ना नेहरू ने एहसान किया, ना राजीव गांधी ने एहसान किया, ना नरेंद्र मोदी ना इंदिरा गांधी ने एहसान किया, बल्कि देश ने इन पर एहसान करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी कहते हैं कि मेरे वारिस ये लोग। नहीं मोदी जी, कोई वारिस नहीं, आप काम करने आए हैं। ये राजाओं की बात होती कि मेरे मरने के बाद मेरा वारिस ये होता है। ये देश है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। ओवैसी चले जाएगा, मोदी चला जाएगा, मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सोच इस देश के प्रधानमंत्री की है कि मेरे वारिस ये लोग हैं। कहां के वारिस? अगर वारिस होते तो आप कोविड में ऑक्सीजन लेकर आते। अगर आप इनको अपना वारिस समझते तो आप इनकी जानों को बचाते। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि फूला बादशाह की आत्मा आ गई। मुख्यमंत्री आप क्या आत्माओं के एक्सपर्ट हैं? फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बताओ, उत्तर प्रदेश के युवा जो गवर्नमेंट की नौकरी का इम्तिहान लिख रहे थे, वो पेपर क्या गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ प्रधानमंत्री, आप वारिस कहते हैं ना, क्या विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं कहा था कि चुट्टा जानवर को मैं कंट्रोल करूंगा? मेरी बात का यकीन करो मोदी जी, आप तो दिल्ली में आराम से बैठे, चुट्टा जानवर पूरी खेतों को खाकर बर्बाद कर रहा है।